स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लव जिहाद पर बोले सीएम योगी, बहनों की इज्जत से खेलने वालों का होगा राम नाम सत्य। गोंडा थाना तरबजंग क्षेत्र अंतर्गत हुए सुनील की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, रिश्ते को शर्मसार करते हुए मामा ने किया था भांजे की हत्या। बदायूं के उझानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पूर्व में हुई लूट के अपराधियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का चुनावी शोर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि बहनों की इज्जत के साथ खेलने वालों का राम नाम सत्य होगा। शनिवार को जौनपुर में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, इसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, सरकार लव जिहाद को लेकर कानूनी बनाएंगी, मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूँ जो पहचान छिपाते हैं और हमारी बहनों के सम्मान के साथ खेलते हैं, यदि आप अपने तरीकों को ठीक नहीं करते हैं तो आपका राम नाम सत्य यात्रा शुरू हो जाएगा। अरब खबर मिर्जापुर से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सरिया गांव के पंचायत भवन पर स्थापित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण पूर्व मंत्री एवं जनपद की सांसद अनुप्रिया पटेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ऐसी विभूति थे जो देश के सभी राज्यों को एक किए, आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और उन्हीं की देन है। सांसद महोदय ने गांव में श्री पटेल की मूर्ति की स्थापना पर गांव वालों को बधाई देते हुए कहा कि जनपद मिर्जापुर के एक एक गांव में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, सरिया गांव की महक जनपद के हर गांव तक जानी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लौह पुरुष के व्यक्तित्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, कार्यकारिणी में बहुमत के बाद भी सरदार पटेल ने देश के लिए कुर्सी की परवाह नहीं की। सरदार पटेल की प्रतिमा की अनावरण पर कहा कि सरदार पटेल का राष्ट्रीय स्मारक देश की राजधानी नई दिल्ली में बनाना चाहिए। सांसद महोदय ने अपने पिता सोनेलाल पटेल के विषय में कहा कि सोनेलाल ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, आज मैं संसद में आवाज उठा रही हूं तो आप लोगों के बदौलत। मिर्जापुर का नाम देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के लिखा जाएगा। सांसद महोदय ने लोगों से अपील किया कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, सर्दी में कोरोना के बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए अधिक सतर्क रहने की भी जरूरत है, और उन्होंने सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील किया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह क्षेत्र की समस्याओं से सांसद महोदय को अवगत कराया। कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी कि रास्ते में सोनपुर जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर अरुणेश सिंह के आवास पर सांसद महोदय का माल्यार्पण कर अगमत्रम देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में गौरव सिंह पटेल रहे, अध्यक्षता संतोष कुमार सिंह पटेल ग्राम प्रधान ने किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं आज के इस समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, सभी स्नेही जन की ओर से उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस गांव सरिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, उसके लिए इस गांव के सभी जनता को और समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी पार्टी अपना दल की ओर से ये मांग है कि देश की राजधानी नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो आवास जो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उनके पास था, एक औरंगजेब मार्ग पर, उसे लौह पुरुष के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तब्दील किया। इसके अनावरण पे आप क्या कहना चाहेंगे?
आज सरदार पटेल के 145वें जन्म दिवस पर इस ग्राम सभा की पहले माटी को गुरु संध्या पर इस ग्राम सभा की माटी को सरसर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इस ग्राम सभा की पूरी आबादी को, पूरे जन जन समुदाय को इतनी चेतना उनके अंदर हुई कि ऐसे महापुरुष की इस ग्राम सभा में स्थापना हुई। मैं करबद्ध चरण वंदन करता हूँ। और अभी मंत्री जी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश के लिए प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया। आज जो स्थिति एक आम जनमानस में चर्चा है कि करप्शन तो था, है भी, जो काम 100 रुपए में पहले होता था अब 500 रुपए में हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? है, करप्शन तो है और जनमानस इस समय जो है कि बड़ा घुटन महसूस कर रहा है। जनता में रोष पैदा है, सरकार से खिलता है, लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ी है और एक बड़ी समस्या और देख रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए हम नहीं समझते हैं कि अच्छा है। आज के डेट में विधायक सांसद की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए सरकार प्रयास करती है कि नहीं करती है? लोक शासन जनता के हित में तो कोई काम नहीं। अपने को जनप्रतिनिधि इस शासन में असहाय महसूस कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। हाँ, ऐसा हम लोग भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और अब खबर गोंडा से, जहां गोंडा थाना तरबजंग क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिंघाना बोझ निवासी सुनील की हत्या के संबंध में घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा ने जनपद की टीम को मौके पर भेजकर अभियुक्तों के शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक तरबजंग को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा के पर्यवेक्षण में थाना तरबजंग व जनपद की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ी गबोरा मार्ग भेद ग्राम धनोली के पास से गिरफ्तार कर उसकी कब्जे में निशानदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू व एक अदद मोबाइल बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त संतोष चौबे को उसके घर वालों ने बचपन में ही उसका बहिष्कार कर दिया था, जिसकी मदद उसकी बुआ करती थी। वह सूरत में रहकर जीवन यापन कर रहा था। कुछ दिन पहले अभियुक्त संतोष चौबे सूरत से गोंडा आया और सुनील की हत्या करने के उद्देश्य से रोडवेज के पास स्थित एक दुकान से चाकू व हॉकी खरीदा तथा बहन के लड़के सुनील की हत्या करने की नीयत से उसे सिंघाचंदा चौराहे पर बुलाया। उसके आने पर सुनसान स्थान पाकर उक्त अभियुक्त ने उसकी सिर पर हॉकी से वार कर दिया था। घायल होकर मृतक कुछ दूरी पर जाकर गिर गया। हॉकी टूट जाने के कारण उक्त अभियुक्त ने मृतक के ऊपर चाकू से कई वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त मृतक की मोटरसाइकिल व मोबाइल लेकर मौके से चला गया था तथा संत कबीर तिराहे के पास मोटरसाइकिल खड़ी करके वहीं मोबाइल फेंक दिया था। खुलासा कर रहे हैं, कैसा खुलासा है सर? दिनांक 18 अक्टूबर को थाना तरबगंज में एक युवक की हत्या कर दी गई थी चाकू मार के, और उसमें उनके उसके पिता के द्वारा इस जो मृतक है उसके सगे मामा संतोष चौबे को नामजद किया गया था और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसने जो है बताया कि पहले से चूँकि इनके परिवार से विवाद चल रहा था, उसके पिता से विवाद चल रहा था, अपने इसके अभियुक्त को अपने सगे बहनोई और मृतक जो जिसकी हत्या की गई है उसके पिता से इसका विवाद चल रहा था। सूरत में ये सब एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के तहत ही इन्होंने जो है प्लानिंग करके उसको चाकू और हॉकी से उसकी हत्या कर दी थी और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है और जिससे इन्होंने हत्या की थी इसने वो जो है आला कत्ल भी बरामद है और इसने जो है स्वीकार भी किया हुआ है पूरी घटना को और इसको जो है न्यायिक हिरासत के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी हुई है थाना क्षेत्र से। नहीं, ये घटना में एक ही था ये, और वो जो दूसरा वो इसका जो मृतक है जो सगा भांजा था इसका, वो बाइक चला रहा था, उसकी बाइक लेके ये फरार हो गया था हत्या करके। वो बाइक भी बरामद है और इसका आला कत्ल भी बरामद है। ये एक ही व्यक्ति था इसमें। और अब
खबर प्रतापगढ़ से, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की प्रेम कथा सुर्खियों में है। 70 वर्षीय बुजुर्ग ने जहां 70 साल की उम्र में अपनी प्रेमिका से शादी हिंदू रीति रिवाज से किया, तो जिले में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा ही कुछ प्रतापगढ़ के रानीगंज इलाके के पठेटिया गांव में देखने को मिला, जहां गांव के अवैध नारायण यादव ने 70 साल की उम्र में शादी रचा डाली। 70 वर्षीय अवैध नारायण ने सुवंसा गांव की 50 वर्षीय रामरती के साथ अपना विवाह किया है। वहीं दोनों के बीच कई वर्षों तक बचपन से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते अवैध नारायण का रामरती के घर आना जाना था। घर आते जाते दोनों के बीच 14 साल की उम्र में प्रेम हो गया था। बिना शादी किए ही 5 बच्चे भी हो गए, जिसके बाद अवैध नारायण गांव को छोड़कर चला गया और साधु हो गया। जब 40 साल बाद गांव लौटा तो प्रेमिका की याद फिर से सताने लगी, लेकिन तब तक अवैध नारायण की उम्र लगभग 70 साल की हो गई थी। लेकिन फिर से अपनी प्रेमिका से मिलना इस उम्र में उन्होंने शुरू किया, तो बेटे और परिजनों ने दोनों की शादी करवाने की बात कही, जिस पर बुजुर्ग अवैध नारायण ने 45 वर्षीय महिला के साथ शादी की इच्छा जताई, जिसके बाद परिजनों अवैध नारायण की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे विधि विधान के साथ 26 अक्टूबर को दोनों की शादी कराई गई, जिसमें उनके बेटे और रिश्तेदार बराती बने। गांव और रिश्तेदारों को भी शादी में बुलाया गया। बैंड बाजे के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज में बुजुर्ग दंपति की शादी कराई गई। शादी में बराती के लिए भी अच्छे खाने और नाश्ते का इंतजाम किया गया था। बूढ़े दुलाराज की शादी चर्चा का विषय बनी। प्रतापगढ़ में बूढ़े दुलाराज को देखने की ग्रामीणों में होड़ मची रही। ग्रामीण जो सुनता वो बिना निमंत्रण के ही उनके घर तक पहुंचा दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए। वहीं शादी के लिए बकायदा निमंत्रण कार्ड भी छपवाया गया था, जिसको रिश्तेदार और अपने खास लोगों को बांटा गया था। वहीं बैंड बाजा के साथ अवैध नारायण बारात लेकर पहुंचे। बाराती के लिए नाश्ता और खाने का अच्छा प्रबंध भी किया गया था। वहीं महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए, साथ भी वैदिक मंत्रों के साथ अवैध नारायण और रामरती ने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर इस उम्र में अपना जीवन साथी चुना। सब सही है। आप इनसे प्यार करती थी बचपन से? तो 40 साल तक कैसे इंतजार किया आपने? घरे रहे हैं, वो बाहर रहे हैं। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 5 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? और अब खबर बदायूं से, जहां आपको बताते चले कि दातागंज के भूतपूर्व चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता जी, जो लगभग 25 वर्ष से दातागंज नगर पंचायत के चेयरमैन रहे, 1974 में चिरौजी लाल धर्मपाल कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की। उस समय दातागंज और आसपास छात्रों के लिए पढ़ने के लिए कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था। उनके इस कॉलेज को उनके पुत्र राजीव कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डन बाबू ने बड़े ही कुशलतापूर्वक आज भी संचालित कर रहे हैं। आज उसमें चिरौंजी धर्मपाल कन्या इंटर कॉलेज के अलावा चिरौंजी लाल धर्मपाल हायर सेकेंडरी स्कूल, चिरौंजी लाल धर्मपाल जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, चिरौंजी लाल धर्मपाल बाल विद्या मंदिर आदि को भी संचालित कर रहे हैं। आज धर्मपाल वैश्य की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र राजीव गुप्ता ने सपरिवार सहित अपने शुभचिंतकों के साथ पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, वहीं इस मौके पर राजीव गुप्ता ने कहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उन्होंने इस पंक्तियों को कहते हुए कहा कि ऐसे थे हमारे बाबूजी। उन्होंने यह भी कहा कि सदा रहोगे इस जीवन में तुम मेरी पहचान। पिता इन पंक्तियों के साथ उन्होंने अपने पिता को नमन करते हुए याद किया और श्रद्धांजलि दी। सभासद कवि एम फिरोज ने अपनी एक कविता भी प्रस्तुत की। नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे थे मेरे बाबूजी स्वर्गीय धर्मपाल बैस। इनकी आज 7वीं पुण्यतिथि पे मैं परिवार सहित उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने 25 साल दातागंज के नगर पालिका के चेयरमैन रहे और 74 में अपने प्रिय मित्र नवल किशोर जौहरी और पंडित त्रिवेणी साहब, जो यहाँ के विधायक थे, उनके मार्गदर्शन में एक विद्यालय की स्थापना की। मैं आज उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ और उनका एक ही कहना था, अगर एक लड़की पढ़ी, लड़का पढ़ा तो लड़का पढ़ा, परंतु एक लड़की पढ़ी तो पूरा परिवार पढ़ा। अंत में मैं श्रद्धांजलि करते हुए एक बात कहूंगा, सदा रहोगे इस जीवन में तुम मेरी पहचान पिता। धन्यवाद।
तो वहीं बदायूं में आज थाना उज्जैनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा व उपर पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण कुमार चौहान एवं क्षेत्र अधिकारी संजय कुमार रेड्डी के निर्देशन में स्वाट व सर्विलेंस टीम ने मुखबिर की। सूचना पर पूर्व में गोदाम के चौकीदार रजिस्ट्रेट पुत्र हेतराम निवासी सहपुरा के परिजनों के साथ हुई मारपीट व लूट में शामिल दो अभियुक्तों को रिलायंस पेट्रोल पंप के बने कैमरों के पीछे खेत से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है, जिनके पास से नाजायज तमंचा व लूटा हुआ माल एवं नकदी भी बरामद कर ली गई है। ये अपराधी बदायूं जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्हें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। दिनांक 22/23 अक्टूबर की रात्रि को ग्राम जजपुरा में श्री कौशल किशोर बंसल के अनाज गोदाम में चौकीदार रजिस्टर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट व लूटपाट की घटना किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 धारा 394 IPC थाना उजानी में पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक है भूरा, दूसरा है इकबाल। उनसे लूटी गई ज्वेलरी व नकदी दोनों बरामद की जा चुकी है और उनमें से एक अभियुक्त फिरासत कबूलपुरा थाना कोतवाली बदायूं का, इसकी गिरफ्तारी शेष है, उसका प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर गोंडा से, जहां गोंडा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय की एकता के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति बराबर का व्यवहार करने, दहेज प्रथा की समाप्ति, अश्लील साहित्य के प्रकाशन पर रोकथाम, धर्म जाति रंग भेदभाव को मिटाने तथा सांप्रदायिक भेदभाव के अनुमूलन के संबंध में उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगणों को बताया गया। इसी तरह जनपद के समस्त थानों चौकियों पर एकता व अखंडता की भी शपथ दिलाई गई। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।